बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जो भी स्टूडेंट थर्ड कट ऑफ के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। और प्लीज़ अपने बेस्ट फोर की परसेंटेज को जरूर मैच कीजिएगा कॉलेज की कट ऑफ से, ठीक है। कॉलेज की जो भी कट ऑफ होगी आपके बेस्ट फोर की परसेंटेज जो है मैच होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर मैच नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए आप सभी स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपडेट्स ड्यू से रिलेटेड मिलता रहेगा। एंड आपकी जो भी क्वेरीज होगी थर्ड कट ऑफ से रिलेटेड, आपके एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी दिक्कत होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ड्यू के अंदर हम सबसे पहले ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे थर्ड कट ऑफ के अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, और थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। और ये हमने किया स्क्रॉल और आ गए हम एडमिशन डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे आना है और ये एडमिशन का लिंक मिल जाएगा पोर्टल वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और डैशबोर्ड के लिए जो जहाँ से आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक, और ये यूजी एडमिशन पोर्टल 2021 पे हमें चले आना है। मैं इतना जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहा हूँ आप सभी। और अगर आपने जो है लॉगिन कर रखा होगा तो आपको इस तरीके का डिटेल्स आएगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आपको जो आपने जो रजिस्टर्ड आईडी भरी थी, ईमेल आईडी, वो डालनी है। एंड आपको पासवर्ड और कैप्चर कोड भरने, जैसे आप भरेंगे तो आपको इस तरीके का जो आइकन खुल के सामने आएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। एंड अगर आपने एडमिशन नहीं लिया होगा थर्ड कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ एंड फर्स्ट कट ऑफ में, तो आपका अलग इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको अप्लाई कॉलेजेस पे क्लिक, जैसे आप अप्लाई नाउ कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेगा उसमें, ठीक है। और आप जो है उसी में अप्लाई कर सकते हैं जिस कॉलेज की कट ऑफ आपकी बेस्ट फोर की परसेंटेज और उस कॉलेज की कट ऑफ मैच हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें आपको आइकन दिया जाएगा फिल का, तो उसमें आपको फिल करना है आपका कॉलेज नेम एंड आपका कोर्स। तो दोनों चीज़ें फिल करेंगे, वहाँ कॉलेज आ जाएगा, उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई नाउ पे आप जैसे इस बटन को क्लिक कर देंगे, आपका उस कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका चला जाएगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे आपके आपके जो भी उस कॉलेज के नोडल ऑफिसर होंगे उनके पास पहुंच जाएगा एंड आपके सारी डिटेल्स वहाँ चली जाएगी। सो वो डिटेल्स चेक करते करते जो है सबसे पहले आपका न्यू एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा। अगर आपने पहली बार अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, तो अगर आपका जो है न्यू एप्लीकेशन स्टेटस पहले उसमें शो होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आपका जो है एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय कन्वीनर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय कन्वीनर आएगा इस तरीके से। फिर आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल एंड अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। देन आपका कुछ घंटों में जो होगा, कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, 10 8 9 10 घंटे तक कि आपका जो है फीस पेमेंट का लिंक जनरेट हो जाएगा। सो ये प्रोसेस रहता है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि भैया थर्ड कट ऑफ के अंदर हमें कैसे एडमिशन लेना है, प्रोसेस बताइए, ठीक है। आई होप कि सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरीज है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर 100% रिप्लाई आएगा आपको इंस्टाग्राम पे, एंड कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं।